तो देखो ये करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन इसमें देख रहा हूँ। देख लेना करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देखना सबसे पहले। देखो क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, ठीक है। तो देखो पहला कथन क्या है, लोगोक द्वीप लेसर सुंद द्वीपों की श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कथन है लोम्बोक द्वीप जापान में स्थित है। तो दो कथन दे रखे हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, तो यहां पे तो देखना कि ये अभी करंट से रिलेटेड क्यों ये क्वेश्चन बने हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करना। तो जो एक कथन दे रखे हैं कि लोम्बोक द्वीप लेसर सुंद द्वीपों की श्रृंखला है, ठीक है। दूसरा है लोम्बोक द्वीप जापान में स्थित है, ठीक। तो इनमें से कोई सही होगा और कोई गलत होगा, तो आप लोगों ने गैस करना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक। तो लोम्बोक द्वीप अभी क्यों मतलब चर्चाओं में है, क्यों इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम पे, तो उस पर ध्यान देना। अभी लोम्बोक द्वीप पे क्या हुआ था, अगस्त में एक भूकंप आया था जिस वजह से ये लोम्बोक द्वीप क्या हो गया, चर्चाओं में आया, ठीक है। तो इसमें लोम्बोक द्वीप के बारे में लिख लो, खुद ही पता चल जाएगा कि लोम्बोक द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो इसमें हेडिंग डाल लेना लोम्बोक द्वीप, लोम्बोक द्वीप। तो देखो लोम्बोक द्वीप ये है आप लोगों का, इस पे ध्यान देना फिर। देखो ये प्रशांत महासागर है, वर्ल्ड के मैप में इतना जो दिख रहा है आप लोगों को, ये हिस्सा किसका है, प्रशांत महासागर का, और ये वाला हिस्सा भी किसका है, प्रशांत महासागर का है। क्योंकि अगर मैप को गोल करके घुमा दिया जाएगा तो ये वाला कॉर्नर क्या होगा, यहाँ पे कोई टच करेगा ना, तो इतना जो हिस्सा है और इतना जो हिस्सा है, ठीक है, ये किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये पूरा वाला और ये पूरा वाला, ठीक। तो यहाँ पे कोई एक सीरीज बनती है आप लोगों की कुछ इस तरीके से, तो ये जो श्रेणी बनती है ये यहाँ इतने एरिया में जितने क्या होंगे आप लोगों के, जितने भी आइलैंड होंगे इतने एरिया पे, ठीक है, प्रशांत महासागर का ये जो पूरा एरिया होगा, इतने एरिया में ये जो लाइन है, इस पूरी लाइनिंग में क्या होगा, कुछ आइलैंड वगैरह होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे को क्या है कि ये जो लाइन इसमें भी बनाई गई है, तो इस लाइन को बोला जाता है, कहाँ गई ये लाइन, रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है, ठीक है। इस लाइन को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है, ठीक। तो ध्यान से समझना फिर, प्रशांत महासागर को इस तरीके से जो लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, ये, तो इस लाइनिंग में क्या होगा कि कुछ आइलैंड वगैरह होंगे इस लाइनिंग में, इस लाइनिंग के अंडरगत क्या होगा, बहुत सारे आइलैंड वगैरह आते होंगे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है। तो ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसने प्रशांत महासागर को क्या कर रखा है, पूरी तरीके से घेर रखा है। और ये जो रिंग ऑफ फायर बनती है, इसी में क्या होता है, वर्ल्ड के आधे से ज्यादा, यानी कि 50% मान के चलो, तो वर्ल्ड के आधे से ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट क्या होते हैं, इसी लाइनिंग के, इसी लाइनिंग में जो आइलैंड वगैरह हैं उनमें होते हैं, ठीक है। तो देखो लोम्बोक द्वीप को समझने से पहले रिंग ऑफ फायर को समझा कि रिंग ऑफ फायर क्या है, प्रशांत महासागर को इस तरीके से घेरने वाली जो लाइनिंग है इसको क्या बुलाता है, रिंग ऑफ फायर बुलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते कि अब दूसरी जो लोकेशन है लोम्बोक आइलैंड की, तो लोम्बोक आइलैंड जो है आप लोगों का वो है इंडोनेशिया में,
ठीक है। तो यहाँ पे को देखो इंडोनेशिया की पोजीशन आप लोगों को देखनी होगी। इंडोनेशिया की पोजीशन कहाँ पे को है, कुछ यहाँ पे को इंडोनेशिया की पोजीशन है, तो यहाँ पे को है कहीं, यहाँ पे को कहीं पे को क्या है, लोमबोक द्वीप स्थित है। ठीक है, कौन सा आइलैंड स्थित है, लोमबोक आइलैंड यहाँ पे को स्थित है। तो ध्यान देना ये इंडोनेशिया की पोजीशन हो गई। ठीक है, देखो इंडोनेशिया हो गया, उसी के बगल में सुमात्रा हो गया, तो ये जो इंडोनेशिया की पोजीशन है यहाँ पे वो क्या स्थित है, लोमबोक द्वीप स्थित है। तो अभी हाल में क्या हुआ था कि अगस्त में लोमबोक द्वीप में क्या आया था, भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए थे, विस्थापित हो गए थे, और लगभग 300 से ज्यादा लोगों की क्या इसमें गई थी, जान गई थी। तो इसलिए क्या है कि लोमबोक द्वीप क्या है, चर्चाओं में है, तो मे भी हो सकता है कि लोमबोक द्वीप से क्या बन जाए, क्वेश्चन बन जाए। तो इस तरीके से जैसे एक क्वेश्चन मैंने सेट कर रखा है, तो इस तरीके से हो सकता है क्या बन जाए वहां पे को, कोई क्वेश्चन बन जाए। तो इसकी लोकेशन याद रखना सबसे पहले, लोमबोक द्वीप कहाँ पे को है, इंडोनेशिया में है। तो यहाँ पे को ध्यान देना कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लोमबोक द्वीप जापान में स्थित है, तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा। लोमबोक द्वीप कहाँ पे को स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, पहली चीज। और दूसरा आप लोगों को क्या कथन दे रखा है कि लोमबोक द्वीप लेसर सुंद द्वीपों की श्रृंखला का हिस्सा है, तो हाँ ये कथन ठीक है। ठीक है, ये लोमबोक द्वीप किसका हिस्सा है, जो लेसर सुंद जो द्वीपों की एक सीरीज बनती है, श्रृंखला बनती है, उसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये दो कथन है, तो दिमाग में रखना कि ये लोमबोक द्वीप चर्चाओं में क्यों है और इससे क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या होगा, यहां पे को क्या हुआ था, भूकंप आया था, ठीक है, अगस्त में, और रिंग ऑफ फायर समझ गए, रिंग ऑफ फायर क्या है, ये प्रशांत महासागर को घेरने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखना, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ये वाले क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा, ए केवल एक। ठीक है, तो इसमें लिखना, लिखना अगस्त में आए भूकंप के कारण, अगस्त में आए भूकंप के कारण, अगस्त में आए भूकंप के कारण लोमबोक द्वीप लोमबोक द्वीप की भौगोलिक स्थिति में भी बदलाव आया है। लोमबोक द्वीप की भौगोलिक स्थिति में भी बदलाव आया है। भौगोलिक स्थिति में भी बदलाव आया है। यह द्वीप इंडोनेशिया इंडोनेशिया में स्थित है। यह द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। यह द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि लेसर सुंद, इस तरीके से, हाँ लेसर सुंद, जो कि लेसर सुंद श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो कि लेसर सुंद श्रृंखला का एक हिस्सा है। लेसर सुंद श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो अब यहां पे को देखना कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया कहां पे को स्थित है, ये इंडोनेशिया स्थित है रिंग ऑफ फायर पे। ठीक है, इंडोनेशिया कहां पे को स्थित है, ये जो रिंग ऑफ फायर है, इस रिंग ऑफ फायर में क्या है, इंडोनेशिया स्थित है। और रिंग ऑफ फायर में क्या होता है कि वर्ल्ड के 50% से ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं,
और 50% से ज्यादा क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। तो इसी वजह से इंडोनेशिया में क्या होता है कि टाइम टाइम पे क्या होता है, भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, तो इस बार जो भूकंप आया था उसका जो रिक्टर स्केल पे नापा गया था, कितना नापा गया था, लगभग इसमें दे नहीं रखा है, 5 point something नापा गया था। ठीक है, तो इसमें लिखना लिखना इंडोनेशिया 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 रिंग ऑफ फायर में स्थित है, इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित है, यह रेखा प्रशांत महासागर के लगभग पूरे हिस्से को घेरती है, प्रशांत महासागर के लगभग पूरे हिस्से को घेरती है और विश्व के विश्व के 50% से ज्यादा भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट इसी रेखा में होते हैं, भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट इसी रेखा में होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट इसी रेखा में होते हैं। तो देखो, मे भी हो सकता है कि अभी तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट कर रखा है, अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन सेट हो सकता है। मे भी ये पूछा जा सकता है कि जो लोम्बोक द्वीप है उसकी राजधानी के बारे में कोई कथन दे दिया। ठीक है, तो इसकी राजधानी लिख लेना एक बार। तो इसमें अगला पॉइंट लिखना लोम्बोक द्वीप पर प्रांतीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर मातरम स्थित है तो अगस्त में जो भूकंप आया था, तो उस भूकंप ने क्या किया कि ये जो लोम्बोक द्वीप है इसकी भौगोलिक स्थिति को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लगभग 25 सेंटीमीटर तक इसका हिस्सा क्या है, उठ चुका है कुछ कुछ एरिया पे। ठीक है, तो इस वजह से लोम्बोक द्वीप क्या है, चर्चाओं में है। तो मे भी हो सकता है लोम्बोक द्वीप से क्या हो जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, रिंग ऑफ फायर समझ में आया, क्या हो गया, प्रशांत महासागर को घेरने वाली जो रेखा है ये क्या है, रिंग ऑफ फायर है, और इंडोनेशिया क्या है, इसी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, और लोम्बोक क्या है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, जापान का द्वीप नहीं है, कहां का द्वीप होगा, इंडोनेशिया का द्वीप है। ठीक है,